बार बार वीर से क्यों लड़ रही हूँ? क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही? तुम क्यों आई हो यहाँ? देखो प्राची, तुम कितनी दुखी हो, कितनी परेशानी है तुम। लेकिन तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? मेरी वजह से। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि तुम्हारा होने वाला जो पति है वीर, वो मेरी दुश्मन जानवी के साथ मिलकर मेरे हर काम में अड़चन डाल रहा है। सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन तुमने उससे प्यार कर कर उसका साथ दिया, सजा के हकदार दोनों इसलिए भुगत रही हो। शादी का जोड़ा मैं तो सर तुमसे इतना कहने आई थी कि तैयार होने में वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि ये शादी नहीं होगी। तुम मंडप में ये शादी खुद तोड़ोगी, करोगी, मैं करवाऊंगी। आशा, तुम जानती हो ना ये कर तुमने जीजू के साथ किया हुआ समझौता तोड़ा है। मैं जाके जीजू को बता दूंगी कि तुम अभी भी लड़की बोलने लायक रहोगी तब ना। मेरे माया जाल में तुम सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम्हारी खुद की सोच ना तुम खुद अपने काबू में। तुम तो बस अब वही करोगी जो मैं कहूंगी। राची, राची रेडी हो गई तुम? जानवी, जानवी, भाभी, भाभी, राची क्या हुआ? दरवाजा खोलो, राची, प्राची, प्राची दरवाजा खोलो, प्राची। प्राची, प्राची क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई आया था क्या रूम में? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? वैसे तुमने चिल्लाया क्यों? मैं? वो तो मैं खुशी से चिल्ला रही थी। I'm so happy कि मेरा लहंगा देखो, कितना beautiful है ना? It's so pretty. I'm so happy. हाँ, और तुम इस लहंगे से भी ज़्यादा pretty हो। राजीव, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, किसी की नजर ना लगे। अच्छा भाभी, मैं इसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूं? तुम टेंशन मत लो, आकाश तुम्हारे लिए खास ज्वेलरी का इंतजाम करने गया है। What? Really? Oh my God, जानवी, I have the best jeejoo in the world. Thank you so much, Janvi. You're welcome. अब आप please दोनों मेरे को ready कर दो, क्योंकि वीर बैठे-बैठे बेहोश ना हो जाए। चलिए। अब आएगा असली मजा। देखा आकर्ष, अब कोई भी यंत्र, कोई भी तरकीब हमें इस दुनिया से वापस नहीं भेज सकते। अगर कोई वापस जाएगा तो वो जानवी है। बहुत प्रीति लग रही है मेरी बहन, किसी की नजर ना लगे। वैसे एक बात कहो, ये सही वक्त तो नहीं है ये सब बातें कहने का, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती थी। राजीव, लास्ट नाइट तुमने जिस तरह से वीर के साथ पेश आई, आई थिंक वैसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
सी प्राची, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि वीर ने तुम्हें हक किया, राइट? तुम दोनों ने मेरे सामने एक दूसरे को हक किया है, लेकिन कल जिस तरह से तुमने ओवर रिएक्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा तुमसे प्यार करता है और इसीलिए तुमसे शादी करने जा रहा है। अच्छा, अब शिकायतें छोड़ो। प्राची, तुम्हें पता है शादी से पहले ना ऐसे छिप छिप कर मिलने का मजा ही कुछ और होता है, और ये मौका तुम्हें शादी के बाद नहीं मिलने वाला। प्राची, तू है मेरी बहन, ऐसा रोमांटिक हस्बैंड किस्मत वालों को ही मिलता है। मुझसे पूछ, तेरे भैया ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, रोमांस का आर भी नहीं आता उन्हें, हर बार पहल भी मुझे ही करनी पड़ती है। I'm sorry, मैं शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आपने जो कुछ भी कहा बहुत सच कहा। वैसे मेरी जिंदगी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, शादी से पहले तो दिन भर आगे पीछे घूमता रहता था, आई लव यू जानवी, आई लव यू बेबी, हर टाइम करते रहते थे, लेकिन अब शादी हो जाने के बाद 4 महीने तक नो आई लव यू नथिंग। सब लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ। सुना प्राची, प्राची तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे वीर जैसा प्यार करने वाला पति मिल रहा है ना? सही कहा आपने भाभी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब मैं ज्वेलरी लेकर आती हूँ, आप वो दूसरा दुपट्टा पहना दीजिए। ठीक। ये कैसे हो सकता है? आकाश ने तो कहा था कि सिर्फ नीली सतरूपा बाकी है, बाकी सारी उस यंत्र में कैद है। फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पन्ने इसके हाथ लग गए और हर्ष भैया इनके साथ कहाँ जा रहे? मुझे इन्हें रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे भैया को रोकना होगा। मुझे पूरा यकीन था कि इस नए जाल में तुम जरूर फंसोगी जानवी। हर्ष को मेरे साथ देखकर जरूर मेरा पीछा करोगी। आओ। हम ये कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? जादू। चली गई। ये वो स्टोर रूम की तरफ तो नहीं गई? तो ये वो जादुई यंत्र है जिसके बारे में आकाश ने मुझे बताया था। लेकिन हर्ष भैया कहाँ है? हर्ष भैया हैरान हो गई मुझे देखकर जानवी। मेरे पति ने जो ये यंत्र बनाया था उससे हमारे बाकी के रूपों को हमने बाहर निकाल लिया। फंस गई ना मेरे जाल में। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच? मेरे पति ने जो ये यंत्र बनाया था हमें इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए, वहां पर अब तुम जाओगी, फिर मैं और आकाश एक हो जाएंगे। नहीं सतरूपा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सतरूपा, We'll be right back.
सब शत्रुपा। आइए पंडित जी, पापा मैं पंडित जी को ले आया हूँ। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। आइए मेरे साथ। ताई जी ये गहने में ले आया हूँ, आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं। अरे बेटा तुम लाए हो तो अच्छे ही होंगे, मेरे देखने की क्या जरूरत है, मैं और काम देखती हूँ। अभिषेका भाभी ये प्राची के लिए गहने आए हैं, आप उसे पहना दीजिए। हाँ। अच्छा वो जानवी को देखा आपने कहीं? जानवी हम अभी प्राची के ही रूम में थे, उसने कहा कि वो तुम्हारे पास गहने लेने आ रही है, मिली नहीं तुम्हें? नहीं मैं तो अभी अभी वापस आया, लेकिन कहीं दिखी नहीं मुझे। जानवी को मैंने देखा है, वो स्टोर रूम में जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। चलिए भाभी बहुत काम है। हाँ चल। स्टोर रूम पेपर्स कहाँ गए? पॉकेट में तो रखे थे मैंने, कहीं जानवी है? सत्रुपा ने मुझ पर, मैंने एक आखिरी बार तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तूने वो भी तोड़ दिया। तू फिर से मेरी जानवी को मुझसे छीनना चाहती है। वो तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ। शादी की है तुमने मुझसे, तुम पति हो मेरे। जब तक ये लड़की रहेगी तब तक हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसे जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। ये हमारे बीच में नहीं है, ये तुम मेरे और जानवी के बीच में आई हो। मैं ना कभी तुम्हारा था, ना कभी हो, ना कभी हूंगा। मैं सिर्फ जानवी का हूँ, और अब मैं तुम्हें मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। शत्रुपा, शत्रु नहीं आकाश, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। वो कुछ भी कर सकती है, मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहती। प्लीज प्लीज मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि शत्रुपा पर कभी भरोसा मत करना, देख लिया ना नतीजा। और मैंने भी तुमसे कहा था कि उसके आसपास मत जाना, उससे दूर रहना। मैंने यंत्र बनाया था उसको अपने लोग वापस भेजने के लिए, क्यों तुम उसके बीच में है? क्या जरूरत थी इसके बीच में आने की? I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। जानवी ये गलती मानने से कुछ नहीं होगा अभी। आकाश, आकाश दरवाजा खोलो। अगर सब ठीक है ना? हाँ चाचू, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आकाश, चले। वीरो प्राची की शादी का मुहूर्त हो गया। हाँ। तुम आ गए, इसे लगा दीजिए ना प्लीज। इतनी भी क्या नाराजगी, प्लीज ऐसा ना करो। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो। सॉरी, अब तो माफ कर दो। आउच, लगी तुम्हें? अब लग गई, कब से बोल रही हो पिन लगा दो। तुमसे तो मैं नाराज भी नहीं रह सकता हूँ। अच्छी बात है, चल अब जल्दी से पिन लगा दो। आकाश एक बात कहूं, शत्रुपा भी चांदी, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, किसी को हमारे बीच में आने नहीं दूंगा। जानवी तैयार हो गई? हाँ भाभी अभी आई। चलो चलो चल। अरे क्या बात है वीर,
जच रहे हो क्या दूल्हे राजा? बिल्कुल हीरो लग रहे हो तुम। बड़ो तेरा बांधते बड़ो। कैसे बताऊं इनको, कैसे कहूं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, नहीं करनी मुझे ये शादी। इन सबका दिल कैसे तोड़ूं मैं? नहीं, मैं शादी नहीं तोड़ सकता। इतने लोगों की उम्मीद खुशी बर्बाद नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं चाहती कि शादी में कोई भी गड़बड़ हो। मैं आशा को कैसे रोकूं? वीर, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप राजी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ। किसी की नजर ना लगे मेरी प्यारी बहन को। मतलब डायनी प्राची के साथ कुछ कर रही है, कुछ तो बात है, पर क्या? जानवी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं अभी अब आप दो मिनट प्राची के साथ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक। तुम्हारी माँ ने प्राची पर जादू किया है अपने वश में करने के लिए। ये क्या बोल रही हो तुम जानवी? मुझे पता था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। जानवी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने माँ के साथ समझौता किया और वो समझौते का नियम कभी नहीं तोड़ेगी। सबूत है मेरे पास आकाश, चलो मेरे साथ। ये देखो, ये प्राची ने लिखा है। इसके अलावा और कौन कर सकते हैं? प्राची अपने कमरे में अकेली थी। तुम प्लीज चेक करके देखो, आई एम श्योर प्राची पर डायन का साया है। नहीं जानवी, प्राची बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर किसी का साया नहीं है। How is it even possible? ये मुझे पता नहीं, लेकिन प्राची बिल्कुल ठीक लग रही है। प्राची, तुम खुद ही बताओ, क्या आशा आई थी इस कमरे में? कुछ हुआ तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता जानवी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शादी की स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नॉर्मली होता है, एक बार शादी हो जाए ना तब ठीक हो जाएगा। आओ चलते हैं, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। आइए चलिए। प्राची अभी तो ठीक लग रही थी, फिर अचानक इतना गुस्सा, ऐसी अजीब हरकतें, पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। वो शीशे पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो अच्छा, उस जानवी के आने से पहले मैंने उस प्राची पे से वशीकरण का ऊर्जा हटा दी। अगर आकर्ष उसे पकड़ लेता तो मुझ पर समझौता तोड़ने का इल्जाम लग जाता। ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती। प्राची की तो यादें वापस आ रही हैं। पिछले दो तीन दिनों की हरकतों की यादें मिटानी होगी, ना ये अपना मुंह किसी के सामने खोल देगी।
अब वरवधु के हाथ में वरमाला दीजिए, मैं लेकर आता हूं। लीजिए, आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। देखा, प्राची बिल्कुल ठीक है, किसी ने इसे वश में नहीं किया। He looks so happy. पता नहीं क्यों वीर बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं बात करता हूँ। बोले राजा, क्या हुआ? सब ठीक है? Yeah. पक्का ना? Yeah. All good. Good. कन्यादान के लिए आगे आइए। अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थात केशने त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वर वधु का गठबंधन करने के लिए आगे आइए। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। साथ ही फेरे संपन्न हुए। आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब आप मंगल सूत्र पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ना सब कुछ करने के बाद शादी को नहीं रोक पाई। भाग्यवती रहो, खुश रहो तुम दोनों। अरे जानवी, क्या हुआ? जानवी, डॉक्टर बोला। क्या हुआ जानवी? संभाल के जानवी बेटा। डॉक्टर, क्या हुआ जानवी को? हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब? जानवी जी प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। डॉक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। आप
फिर से एक और बार चेक कीजिए ना। देखिए जानवी जी, अगर मुझे शक होता तो मैं ये बात बिल्कुल आपसे नहीं कहती। आप प्रेग्नेंट हैं, आप रेस्ट कीजिए और ख्याल रखिए। टेक केयर। नहीं हो सकता, आई मीन हम लोगों ने जानवी, शायद मैं डायन हूं, तुम इंसान, इस वजह से तो नहीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। एक साथ इस घर में दो दो खुशियां, प्राची की शादी और अब जानवी भी माँ बनने वाली है। बधाई हो बेटा। होने वाले मम्मी और पापा को बहुत बहुत बधाई। मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगी? मतलब जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। सतरूपा देखो, अब तक तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया बात अलग थी, लेकिन अब मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारा है? वो बच्चा मेरा और आकर्ष का है। जो मैंने तुम्हारी कोख में डाला। बकवास बंद करो अपनी। ये सरेआम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत झूठ बोले मैंने, पर ये बिल्कुल सच है जानवी। धोखे से ही सही, याददाश्त ना होने की वजह से सही, मेरे वश में होने की वजह से सही, आकाश ने हमारे साथ सुहागरात तो मनाई है। पूछो क्या ये झूठ है? बताओ आकाश। हाँ, मैंने इसके साथ सुहागरात मनाई। लेकिन मेरी याददाश्त खो चुकी थी, इसने मुझे वश में कर रखा था। मैंने जो भी किया सिर्फ जानवी समझ कर किया। जानवी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन करो कि जो भी करिए हमको सिर्फ अलग करने के लिए करिए, इसकी नई चाल है। क्यों इस मासूम का दिल बहला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं उसे? जब हमारी तबीयत खराब हुई थी, हमें चक्कर आने लगे थे, अस्पताल में आकर्ष लेके गए। अगर हमने कुछ किया तो उस डॉक्टर को वश में करके आपसे ये बात छुपाई। सतरूपा आम इंसान तो है नहीं जो बीमार हो जाए, फिर उसे हुआ क्या होगा? डॉक्टर, क्या हुआ उसे? ये औरत आपके साथ है, आप ले आए इसे? जी हाँ, पर क्यों? ये कौन है, आपकी क्या लगती है? आपको उसे क्या लेना देना, बस बताइए हुआ क्या उसे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। इनके शरीर के अंग बहुत अलग है, एक्सरे में दिखता है, पर इनकी नब्ज भी पकड़ में नहीं आती है। लगती तो साधारण सी है, लेकिन इसके कपड़े भी, ये है कौन? अब कौन को छोड़िए, बताइए इन्हें हुआ क्या है? जितनी जांच की है उससे लगता है इन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। टेस्ट जारी है, लेकिन मैंने ऐसी कंडीशन पहले कभी नहीं देखी। बीमारी का पता लगाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तब तक इन्हें आराम की जरूरत है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल आप इन्हें घर ले जाइए, टेस्ट की रिपोर्ट आते ही मैं आपको कॉल कर दूंगी। हम अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी कोख में आकर्ष कांच, पर 9 महीने उसे हमारी कोख में रखना नामुमकिन है, इसलिए हमने जादू से उसे तुम्हारी कोख में डाल दिया। अब तुम अच्छे से उसकी देखभाल करना, लेकिन जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे यहां से ले जाऊंगी। कैसी बेहूदा बातें कर रही है ये औरत, कितनी घिनौनी औरत हो ना, फिर से झूठ बोल रही हो। कोई अपनी कोख से बच्चा किसी और की कोख में कैसे डाल सकता है, नामुमकिन है ये। जादू की चरम सीमा क्या है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। जब इंसानी दुनिया में ये हो सकता है तो जादुई दुनिया में नहीं हो सकता। हमारे सातों रूपों की ऊर्जा खींचकर आप दूसरी दुनिया में भेजने वाले थे, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को। और आप ही बताइए ना ताई जी, क्या आप लोगों की दुनिया में दो इंसानों के कण मिलाकर किसी और के कोख में बच्चा नहीं डाला जाता? तो जो काम डॉक्टर ने किया वो हमने जादू से कर दिया। तुम्हें बीमार समझ के मैंने इस घर में रहने की कुछ मोहलत क्या दी, तुमने फिर अपने गंदे काम करने शुरू कर दिए। जानवी ने सही कहा था, तू जैसी औरत ना कभी नहीं सुधर सकती। ये बच्चा आपका। चुप, बिल्कुल चुप सतरूपा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ये बच्चा जानवी और आकर्ष का है, तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रही हो। अब मैं क्या कहूँ, जो सच था मैंने कह दिया, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। क्यों जानवी, अच्छी तरह पालोगी ना हमारे बच्चे को?
उसके इस दुनिया में आते ही उसे ले जाएंगे हम, ये याद रखना। अरे तुम दोनों वहां पे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? आज तुम दोनों की शादी हुई है, थोड़ा स्माइल तो कीजिए, दैट्स बेटर। और वैसे भी शादी में इससे बड़ी तोहफा और क्या हो सकती है? तुम दोनों मौसा और मासी बनने वाले हो। थैंक यू भी। वैसे शत्रुपा की बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी तो आदत ही है हम सबकी खुशियों पर टांग अड़ाने की। जब भी हम लोग सेलिब्रेट करते या खुशियां मनाते वो आ जाती है कोई ना कोई नई कहानी लेकर। मैं और मेरा दिल जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कह रही थी झूठ कह रही थी। इसलिए इन सब बातों को रहने देते हैं और वीर और प्राची की शादी को सेलिब्रेट करते हैं। अब ताई जी आप शादी के बाद की रस्में उन सब के प्रिपरेशंस चालू कर दीजिए, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है बेटा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे आकाश, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्राची और वी की शादी हुई है, पहले सारी रस्में निभा लेते। चलो आओ प्राची, अब इस कलश को गिराओ और इस थाली में पैर रख के दाहिने पैर से अंदर आओ। अरे विशाखा, ये गृह प्रवेश की रस्म क्या जरूरत है, ये दोनों तो यही रहते। चुप कर नालायक, हर रस्म के कुछ मायने होते हैं। अब इस गृह प्रवेश की रस्म के साथ प्राची नए जीवन में नए घर में प्रवेश करेगी और इस घर की सुख शांति की सारी जिम्मेदारी इसकी होगी। पर भाभी जी, इसका गृह प्रवेश तो वीर के घर होगा ना? नहीं चाचा जी, वीर को सिर्फ मैंने दोस्त नहीं माना बल्कि भाई भी माना, तो उस नजर से ये घर उसका भी तो हुआ। चलो प्राची, अब डाइना पैर आगे रखो। तुम दोनों आमने सामने बैठो। हाँ, तो अब ये अंगूठी मैं इसमें डालूंगी और तुम दोनों अपने हाथ इसके अंदर डाल के अंगूठी ढूंढोगे, जो सबसे पहले अंगूठी निकालेगा वो जीत गया। ठीक है? ये अभी ये कैसी रस्म है? ये तो एक तरह का गेम है, छोड़िए ना ये रस्म। आप सब थक गए होंगे, रेस्ट कर लेते हैं। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है हमारी दुल्हन को हमसे चुरा कर लेकर जाने की? हम इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। चलो अब जल्दी से गेम खेलो। और ही तो क्या, शादी भाई एक ही बार होती है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ चलो शुरू करें। रेडी स्टेडी प्राची, जल्दी कम ऑन प्राची, कम ऑन वीर। प्राची तीन बार जीत गई है, इसका मतलब ये है कि अब हमारी लड़की तुम पर जिंदगी भर हुक्म चलाएगी। भाई जीतो या ना जीतो, एक बात तो पक्की है, दादी की बात तो वैसे भी बीवी की गुलामी करनी पड़ती है। क्यों भाई, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक ही तो है। जितनी रस्में करनी है कर लो,
लेकिन मैं इस घर में कभी खुशियों को दस्तक देने नहीं दूंगी। शादी में मैंने इतनी मनोसियत भरी है कि ये सिर्फ एक बर्बादी होगी और ये दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। पता नहीं आज प्राची क्या करने वाली है। मुझे लगा था कि प्राची पर किसी का साया है, इसलिए अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अब तो आकर्ष ने वो भी चेक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हो गया है प्राची को अचानक? उधर ही खड़े रहोगे कि अंदर भी जाओगे? कितना इंतजार करवाओगे अपनी दुल्हन को? जाओ जल्दी जाओ। कितना शर्माता है। ओए मिस्टर, मैं तुम्हारी मिसेज बन गई हूँ। क्या हुआ, ऐसे स्टैचू बनकर वहां क्यों खड़े हो? आओ ना। कर रहे हो तुम? शादी के दिन मौन व्रत रखा है क्या? इधर आओ, कुछ तो बोलो। अकेले मिलना, हाथ पकड़ना, ये सब तो मैंने झेल लिया, पर अब ये सब क्या है? गले लगना, हाथ लगाना? नहीं। वीर, तुम मुझे इतना डर क्यों रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, खा नहीं जाऊंगी। तुम थक गई होगी प्राची, जाकर सो जाओ। वीर, मैंने कुछ कर दिया है क्या? कुछ कह दिया? मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताओ, ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? स्ट्रेंजर मैं? ये सही है प्राची, सारी गलतियां कर दो और इल्जाम दूसरे पे लगा दो, कितना कन्वीनियंट होता होगा ना ये सब कुछ। क्या अब मैं तुम्हारे मूड के हिसाब से चलूं? तुम हंसो तो मैं हंसूं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, जब तुम नाराज हो तब? पिछले दो दिन से जो तुम मेरे साथ कर रहे हो प्राची, उसका क्या? अब तो ऐसा लगता है कि प्राची तुम्हें जानता भी हूं या नहीं। तुम्हें छूने से डर लगता है, तुम्हारे पास आने से डर लगता है प्राची। तुम ये क्या कह रहे हो वीर? मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे कुछ माफ कर दो प्राची, माफ करो मुझे। कौन हो तुम? नहीं पता मुझे, और क्या बताऊं तुम्हें कि मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। प्राची जाओ और सो जाओ। ये वीर को क्या हो गया है? क्या बोल रहा है ये? मैंने तकलीफ दी है? पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। कुछ भी कहो आकाश, तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से प्राची थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही है? नहीं तो मुझे तो उल्टा लग रहा है। मतलब प्राची तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, वीर कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ खोया खोया सा रहता है। शादी पर भी पता नहीं अपने में ऐसा लग रहा था मुझे। आई थिंक अपसेट होगा जो कुछ भी हुआ उसके साथ, इसलिए बेचारा घबरा गया होगा। आकाश तुमने देखा था ना प्राची ने किस तरह से डायन लिखा हुआ था? आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
इन सब में तुम्हारी माँ का हाथ तो नहीं है? जानी तुम्हें क्या हो गया है? जब भी कुछ होता मेरी माँ पे इल्जाम लगा देती है। मेरी माँ ने समझौता किया वो कुछ नहीं करेंगी। और जानी मैंने तुम्हारे सामने प्राची को चेक किया था, वो किसी के वश में नहीं थी। तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है अभी? ऐसी बात नहीं है आकाश, मुझे लगा इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ सिंपल डिस्कस किया, तुम ही हर बात को खींचते रहते हो। अच्छा सुनो जानी, अब तुम्हें ये गुस्सा करना, लोगों से लड़ना, लोगों की चिंता करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अब अकेली नहीं हो, हमारा बच्चा तुम्हारे साथ में है, इसलिए सारी चीजें भूल जाओ और थोड़े दिमाग को रेस्ट दो। इसे एक बात बताओ, लड़की भी तो हो सकती है। अरे लड़की भी तो बेस्ट होगा ना, लड़कियां वैसी बहुत अच्छी होती हैं, और वो तो डैडीज बेस्ट गर्ल होगी ना। वो तो है। एक बात पूछो। पूछो। Are you sure? I mean, तुम्हें सच में लगता है ना कि हमारा ही बच्चा? जानी हमारा ही बच्चा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? यकीन तो मुझे डायन इन सब चीजों में भी नहीं था आकाश, लेकिन हकीकत में डायन होते हैं। तंत्र, जादू, टोना, ये सब कुछ होता है। डर लगता है कि कहीं बाकी शत्रुपानी जादू से। जानी, ये तुम्हारा और मेरा बच्चा है, तुम्हारे प्यार की निशानी है, अपना शक जो है ना तोड़ फेंक दो। बधाई हो, मैंने जितना सोचा था उसे कई ज्यादा ताकतवर हो तुम। अपना बच्चा तुमने जानवी के कुक में डाल दिया, वाह, आखिरकार मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला चिराग आने वाला है, मेरा पोता, मेरे बेटे का अंश, राजकुमार बना के रखूंगी उसे, जादू टोना टोटका सब सिखाऊंगी उसे। हीरे पोता सतरपा, तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसके बदले मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ये बच्चे के पैदा होते जानवी को मैं अपने हाथों से मार डालूंगी और फिर तुम्हारी शादी आकाश के साथ करूंगी। आकाश को तुम्हारा होना ही होगा। ये क्या कर दिया मैंने? पूरा पासा पलट गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अगर डायन को पता चल गया कि ये बच्चा जानवी और आकाश का है तो वो नहीं, फिर तो वो जानवी को नहीं मारेगी। समझौता निभाने की एक नई वजह मिल जाएगी। क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि जानवी के इस बच्चे को खत्म कर देती हूँ। ये अंशी नहीं रहेगा तो सारी मुसीबत खत्म, वरना आकाश मेरा नहीं हो पाएगा।